योगीराज में अपराधियों के हौसले बुलंद। अब बीआरडी कांड के आरोपी डॉक्टर कफील खान के छोटे भाई काशिफ जमाल को रविवार तरंग क्रॉसिंग के पास बाइक सवारों ने गोली मार दी। उन्हें 3 गोलियां कंधे, सीने और पेट में लगी। ये घटना के बाद काशिफ खुद ऑटो पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचे। गोली चलने की सूचना सीओ क्राइम प्रवीण सिंह सीओ कोतवाली के साथ थाने की फोर्स पहुंच गई घटना स्थल पर। जी हाँ, मामला हम आपको बताते हैं। काशिफ कोतवाली इलाके में बसंतपुर में रहते हैं। डॉक्टर कफील के छोटे भाई काशिफ रुस्तमपुर में बैटरी की दुकान है। रविवार शाम वो इफ्तार के बाद गोरखनाथ इलाके में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। परिजनों के मुताबिक वहाँ से लौटने दौरान 10:30 बजे तरंग क्रॉसिंग के पास नकाबपोश बाइक सवारों ने गोली मार कर फरार हो गए। गोली चलने की सूचना से काशिफ सबसे पहले घर वालों को दी। स्टार हॉस्पिटल में भर्ती के बाद पुलिस घटना की जानकारी हुई। पुलिस के मुताबिक गोली चलने की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें, काशिफ की हालात अभी नाजुक हैं। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक काशिफ पहले भी अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। कहीं जमीन विवाद में तो नहीं मारी गई कफील के भाई को गोली? काशिफ का कई लोगों से जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। काशिफ के एक रिश्तेदार ने ही बीजेपी के एक सांसद पर जमीन हड़पने का केस दर्ज कराया था। हालांकि परिवार वाले इस कुछ बोलने से बच रहे हैं। वहीं इस मामले में गोरखपुर SSP सलभ माथुर ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल और हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। दोनों जगह पर अपराधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पीड़ित अभी कुछ स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। माथुर ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। worldmediatimes.com कृपया हमारे साथ।